अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। अगर आप साउथ एशिया से हैं और आप सोच रहे हैं कि आप किस कंट्री की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, दिस वीडियो कैन बी वेरी हेल्पफुल। इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साउथ एशिया एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट विच कंट्री कैन बी योर बेस्ट डेस्टिनेशन, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इट्स नॉट ओनली द ब्यूटी ऑफ कैनेडा दैट अट्रैक्ट पीपल, इट्स ऑल्सो ऑल द फेसिलिटीज ओवर हियर वी गेट इवन वैन वी आर इन लो इनकम। सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी उन लोगों के साथ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान या इंडिया से कनाडा के लिए, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं कनाडा में। जब मेरी शादी हुई 2004 में मैं आई थी और बच्चे थे, घर था, बट यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, कोई ऊंच नीच का वो नहीं है। एवरीबडी इज़ लाइक ट्रीटिंग यू द सेम वैल्यू। फिर मैंने स्टडी की यहाँ पे, नर्सिंग की, स्टार्ट वर्किंग। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें। कनाडा बहुत ही वेलकमिंग है। यस, और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे। हमारे अपने लोग काफ़ी सारे हैं और मस्जिदें हैं, मतलब हमें ऐसे लगता है कि यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलता, बट जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं। और माशाल्लाह से हम सब कैलगरी में रहते हैं, तो कैलगरी में तो मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आप कनाडा में हो, यू जस्ट फील लाइक इट यू आर इन पाकिस्तान। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। इंशाल्लाह जब तक हैं तो हम यहीं पे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाकिस्तान से कनाडा आना चाहते हैं तो आप उनके लिए रिकमेंड करेंगी, मतलब क्या आपको लाइफस्टाइल यहाँ चेंज लगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लाइफस्टाइल तो खैर काफ़ी चेंज है। आप यहाँ जितनी मेहनत करते हो मुझे लगता है उसका आपको उसकी वैल्यू भी मिलती है, व्हेयरएज जब आप इंडिया पाकिस्तान में होते हो यू वर्क हार्ड, बट वहाँ आपको वो सब कुछ नहीं मिल पाता। लाइफस्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट, और मुझे लगता है बच्चों के लिए तो स्पेशली लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है ना। बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा सेफ लगता है आपको? इट्स मोर सेफ। ठीक है, आप जब इंडिया जाती हैं तो आप क्या फ़र्क देखती हैं? फ़र्क सबसे पहले तो जो सबसे आँखों के सामने दिखाई देता है वो है डस्ट, और हाउ इन्वायरमेंट कितना चेंज है वो, और सिस्टम नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे सिस्टम है, आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो फंस गए हो। यहाँ आपको पता है आप ट्रैफिक में फंसे हो तो आप निकलोगे भी जल्दी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास पुलिस है, एम्बुलेंस है, वहाँ आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। आई नो मैनी पीपल सड़कों पे ही मर जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी हमें फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल है। फ्री सर्विसेज अवेलेबल। तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर करें? श्योर, अगर कर सकते हैं तो जरूर। देयर इज अ बेटर लाइफ वेटिंग फॉर देम। या देयर इज। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, आप जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं लाइक इंडिया या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कनाडा आने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको लाइक आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है कनाडा का, आप कब से हैं और आपको कैसा लगा? डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए कनाडा बहुत अच्छी जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई केम हियर एट 2005 और मुझे काफ़ी अरसा हो गया कनाडा में, और यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं चिल्ड्रन के लिए, एडल्ट्स के लिए, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे हमें वो फ्री, यहाँ पे वो हमें मिलती हैं, वो हमें फ्री होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज आर वेरी गुड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, एंड देन यू हैव मनी फॉर योर किड्स जो कि आपको चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलता है, एंड दीज आर जस्ट थोड़ी सी जो मैंने नेम लिए हैं जिनके। लेकिन इसके अलावा वेदर वाइज इट्स कोल्ड, अदर देन दैट इट्स रियली अ गुड कंट्री आई वुड से, and this is a land of opportunity, it pays for your hard work for sure, jo ki hamare mulk mein nahi hai unfortunately. Main khud Pakistan se hu aur mera taluq Karachi se hai, and I'm a certified teacher in Alberta and I'm teaching kids with special needs as well as kids who are normal. To mera experience far along bahut acha hai, bahut hi acha. To main highly recommend karti hu ki Canada aana chahiye aur in sab cheezon ka benefit uthana chahiye. और आपको शेयर करेंगे कि आपने यहाँ से ही सब लर्न किया और स्टडी किया और आपको जॉब भी मिल गई? यस, मैं फ्रॉम बैक होम आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी एंड देन आई हैड टू अपग्रेड माय सेल्फ। ज़रा मुझे यहाँ पे कनाडा में आपको अपग्रेड करना पड़ता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कोर्सेज किए हैं एंड देन दैट्स हाउ आई एम इनटू द फील्ड नाउ। एंड इट वाज इजी टू फाइंड अ जॉब?
It's not that easy, I would say, because of COVID and several other factors. It's not that easy to find a job right now. But again, we can't be just sitting behind and not working for it, right? हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आप करते रहो. अगर आप बैठे रहोगे तो फिर तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा. अच्छा, आप कुछ गाइड करना चाहेंगी जो लोग मूव करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से कनाडा या इंडिया से? बेस्ट एडवाइस यही है सबको कि जो भी आना चाह रहा है बस माइंड में रखें कि इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस अपनी होती है तो यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया जहाँ पे यू गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल. हियर यू गॉट टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ. Enjoy. Yeah.